हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ कल रात को लेट से निकाली थी एनटीए ने, यानी 6 जून 2024 को। तो जितना भी मुद्दा चल रहा था नेट पर, वीडियोज़ के थ्रू हम लोगों ने उठाई जो भी बातें, तो उन सब का क्या रिप्लाई दिया है एनटीए ने, तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है उस पर बात करेंगे, और उसके साथ ही उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं और हमारा उस पर क्या व्यू है वो भी यहाँ पर बताएंगे। और इसके बाद ये तो पूरा साफ जाहिर हो जाता है इस नोटिस के बाद कि एनटीए किसी भी तरीके से रीनीट कराने के उम्मीद में नहीं है, कोई आशा ऐसी नहीं है कि वो रीनीट कराए, क्योंकि जो भी बातें कही जा रही हैं उसका सिर्फ वो अपनी तरफ से जो उसका रिप्लाई है उसको देखे ख़त्म कर दे रहा है। उसको मतलब नहीं सही क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं मतलब, सिर्फ अपना रिप्लाई दिया और वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो इससे पूरा साफ हो जाता है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि अब रीनीट हो। हाँ, एक मास लेवल पे अगर प्रोटेस्ट हुए, आरटीआई डाली स्टूडेंट्स ने, तभी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। स्टूडेंट सब सोच रहे हैं कि कोई आएगा और उनकी आवाज़ उठाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बहरहाल, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे जो इन्होंने अपने रिप्लाई दिए हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो पहले तो इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि टोटल जो कैंडिडेट्स बैठे थे, कितने सेंटर्स थे, कहाँ कहाँ पर हुआ, इससे हमें मतलब नहीं है। जो सबसे पहली चीज़ है वो इन्होंने कट ऑफ को लेकर बताई है। तो 2024 में जो कट ऑफ बढ़ी है उसको लेकर इन्होंने जो कहा है, द कट ऑफ स्कोर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ईच ईयर। ये कह रहे हैं कि जो किसी भी जो कट ऑफ बताई जाती है किसी भी साल की, वो सभी स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया उसकी बेस पर बताई जाती है। और ये बात सही है कि जब एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी के मार्क्स को जोड़कर जो टोटल कैंडिडेट्स थे उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे पता लगता है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये 2020 में 297 थे, 2021 में 286, 2022 में 259, 2023 में 279, और ये 2024 में बढ़कर 323 हो गए, यानी हाईएस्ट एवर, अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो हो गया है वो 2024 का हो गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 2020 में 147 थे, फिर 138, 117, 137 और अब 164, ये भी हाईएस्ट एवर हो गया है। इसके लिए जो रीजंस रहे हैं, जो मेनली एक तो यही था कि जो पेपर का लेवल है थोड़ा इजी रहा, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो बढ़े हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स रहे हैं इस कट ऑफ को बढ़ाने के लिए, एवरेज मार्क्स भी और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी, वो है कि जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए उसकी वजह से, और जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए उसकी वजह से, वो क्या है उनको भी अभी नीचे डिस्कस करेंगे। दूसरा है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। यहाँ पर ये इन्होंने अपना जो पॉइंट था वो तो दे दिया, और वही बात जो मैंने कल भी वीडियो में बताई थी, जो बनाई थी, उसमें इसका कोई भी रिप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जो रिट पिटिशंस डाली गई थी कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ रेजिंग कंसर्न्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम एट फ्यू सेंटर्स, कुछ सेंटर पे जो टाइम का लॉस हुआ है उसके बेस पर जो रिट पिटिशंस डाली गई थी, ये बात ध्यान देंगे, मतलब जिन्होंने पिटिशन डाली सिर्फ उन्हीं का जो यहाँ पर है कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मैं पहले भी बता रहा था कि जिन्होंने कोर्ट जाकर रिट पिटिशन नहीं डाली है और उनका टाइम लॉस हुआ होगा लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिले, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर है। मतलब जो जा रहा है सिर्फ उसी को देंगे, गलत तो सबके साथ हुआ, आपको सबके साथ करना चाहिए। या तो एक सेपरेट फॉर्म निकालो, पूछो बच्चों से किसका कितना टाइम ख़राब हुआ है, फिर उसको रीचेक करो, जिस तरीके से इनका आपने सीसीटीवी कैमरे में देख के किया है उसी तरह से बाकी बच्चों का भी करो। सिर्फ कुछ लोग जो कोर्ट पहुँच गए आप उनका रिप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का मार्क्स बढ़ा के और रिजल्ट निकाल दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। द कंसर्न्स रेज्ड बाय कैंडिडेट थ्रू रिट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन टू रिड्रेसल, देयरफॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एकेडमिया वॉज कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस एंड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। ये कह रहे हैं हमने इस सब के लिए एक कमेटी बनाई जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो स्टूडेंट्स थे उनकी फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनाई, कैसे जो सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देखा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर पे, किसने लेट मिला, किस इन्विजिलेटर ने गलत एमआर दिया, फिर उसको चेंज किया, तो उस समय कितना टाइम लॉस हुआ वो इन्होंने यहाँ पर देखा जो इनकी कमेटी थी। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज एसर्टेन एंड सच कैंडिडेट वर कंपनसेटेड विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी। यानी अगर किसी का टाइम लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट हैं ए और बी, मान लो दोनों के 15-15 मिनट जो है लॉस हुए हैं, तो ऐसा नहीं है ए को जितना मार्क्स मिलेगा बी को भी इतना मार्क्स इन्होंने दिया होगा। तो ये थोड़ी सही चीज़ है कि अगर ए की आंसरिंग एफिशिएंसी अच्छी है, यानी वो ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करेक्टली आंसर कर सकता है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जो स्टूडेंट है कि ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन और कम करेक्ट आंसर करे, तो उसके बेस पर इन्होंने आंसर दिए हैं, ये तो ठीक है कि इसी तरीके से इन्होंने अप्लाई करना चाहिए। लेकिन
जो इन्होंने ये आंसरिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला लगाया है वो किस बेसिस पे लगाया आप वो देखें। द मैकेनिज्म फॉर्मूला इस्टेब्लिश बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट वाइड इन जजमेंट, तो 2018 का एक जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। हालांकि ये जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल भी इस नीट के एग्ज़ाम पर अप्लाई नहीं होता है। उसका रीज़न ये कि नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, जो कि जो इन्होंने उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ये उन्होंने अपने एग्ज़ाम के हिसाब से दिया था, ना कि नीट के हिसाब से। वो क्लैट के हिसाब से एग्ज़ाम था, ये ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम था, साथ ही 1 से 2 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं। तो अगर आपको पता ही होगा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यहाँ पर ऑफलाइन है और इधर की तरफ ऑनलाइन था। ऑनलाइन में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बता सकता है कि स्टूडेंट ने कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस को सही से करेक्ट किया, उसमें वो उसके बाद की एफिशिएंसी भी देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम बता सकता है किस क्वेश्चन में उस कितने सेकंड के लिए रुका, कितने सेकंड उसने बैक किया, कितने सेकंड बाद आगे बढ़ा, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, कितनी बार उसने ऑप्शंस को चेंज किया कि पहले हो सकता है ए मारा हो फिर उसको चेंज करके बी मारा हो। तो वो सब चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन में पता लग सकती हैं, ऑफलाइन में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट ने क्या पहले क्या सोचा था मारने का, फिर उसको चेंज किया कि नहीं किया, क्योंकि उस वहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार भरेगा तो स्टूडेंट ने हो सकता है सिर्फ कॉपी पे किया होगा, तो ये सब कैसे पता लगेगा। तो ये चीज़ें जो ऑनलाइन वाली थी उन्होंने यहाँ नीट पर अप्लाई कर दी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सिर्फ इन्होंने अपना रिप्लाई दे दिया है, इनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। फिर से वही कह रहा हूँ, कितने मार्क्स इन्होंने दिए हैं वो यहाँ पर बताया है, कितने स्टूडेंट्स को दिए हैं, 1563 कैंडिडेट्स को। लॉस ऑफ टाइम की वजह से एंड रिवाइज्ड मार्क्स फॉर सच कैंडिडेट वेरी फ्रॉम -20 to 720। यानी जो 1563 स्टूडेंट्स को इन्होंने मार्क्स दिए हैं जिन्होंने रिट पिटीशन डाली थी, उसके अलावा किसी को नहीं दिया गया, मतलब जो कोर्ट गए सिर्फ उन्हीं को दिया गया। -20 यानी इन्होंने मार्क्स देने के बाद -20 मार्क्स हुए और 720 मार्क्स भी हुए हैं टोटल। आगे इन्होंने बताया 6 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स हो गए हैं इस कंपनसेशन की वजह से। अब उसमें ये नहीं बताया कि पीछे कितने मार्क्स थे उनके, 0 थे, 10 थे, 100 थे, 500 थे, 600 थे, 650 थे, 700 थे, 710 थे, क्या थे वो नहीं बताया। लेकिन आखिरी सिर्फ फाइनल बताया है कि रेंज जो है इनकी 720 है ज़्यादा से ज़्यादा और लोएस्ट है -20। उसमें किस कैंडिडेट को कितने मार्क्स दिए गए, उसके पहले कितने थे, ये सब डेटा भी इनको ट्रांसपेरेंसी अगर दिखानी थी पूरा देना था जैसा यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। और उसी की वजह से ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 718 और 19 स्कोर है वो भी इसी की वजह से हुआ है। ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट असर्टेन द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वॉज नॉट कम्प्रोमाइज एट दिस सेंटर। यानी जो सेंटर्स हैं वहाँ पर इंटीग्रिटी एग्जाम की बनी रही थी, सीसीटीवी कैमरे में हमने देख लिया। ठीक है, अगला है टॉपर्स इन नीट यूजी 2024। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वॉज 20,38,596। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2023 और 2024 के बीच में जो स्टूडेंट्स बढ़े हैं वो 300,000 बढ़े हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं इस नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से जो टॉपर्स हैं वो बढ़े हैं और इसी की वजह से मेरिट आई गई है। ये कुछ हद तक पॉइंट सही है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर है टॉपर्स को बढ़ाने में, तो ये बिल्कुल गलत है जैसा इन्होंने यहाँ पर शो करने की कोशिश करी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े उसी की वजह से स्कोर बढ़ा उसी की वजह से टॉपर्स बढ़े, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स और ये जो टाइम को कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं उनकी वजह से टॉपर्स बढ़े हैं, और उसके बाद जो लीक पेपर हुआ उसको तो ये कहीं पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी वजह से हुआ। अब ये माने या ना माने, अगला NTA रिसीव 13,374 चैलेंजेस, यानी जो OMR शीट थी उसके लिए जो स्टूडेंट ने चैलेंज किया था वो 13,373 थे। तो उसमें पुरानी और नई NCERT के हिसाब से एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन आ रहे थे, तो लास्ट में ये हुआ कि दोनों ऑप्शन को ही करेक्ट मान के उनको आंसर दे दिए जाएँ। तो टोटल 67 कैंडिडेट थे जिन्होंने 720 में 720 पाए, जिसमें से 44 आर अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की, यानी एक जो 44 स्टूडेंट हैं उनको आंसर की में रिवीजन की वजह से जो नंबर बढ़े उसकी वजह से 720 आए, और बाकी जो 6 बचे स्टूडेंट्स हैं उसमें से उनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से जो नंबर बढ़े हैं वो 720 पे पहुंच गए हैं। अब ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने बोला है उसके हिसाब से इसमें बहुत सारी गलतियाँ, हर स्टेप पर आदमी यहाँ देखे तो ये फंस जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4/6/2024 ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये कह रहे हैं हमने जो रिजल्ट निकाला है यहाँ पूरा यही बताने की कोशिश की है कि हमने 10 दिन पहले, क्योंकि पूरा काम जो प्रोसेस था रिजल्ट निकालने का वो हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया, इस वजह से हमने रिजल्ट निकाल दिया। ये कह रहे हैं JEE मेन का जो रिजल्ट है हमने 11 दिन में निकाल दिया था और बाकी चीज़ों का भी 15 दिन में सेशन 2 का निकाल दिया था। तो ठीक है, अगर आप इसमें पहले ही श्योर थे तो सबसे पहली दिक्कत तो हमें इसी डेट से थी कि आपने जो डेट चुनी थी 4 जून, जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था, उस टाइम पर जब बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो हमें तो यही लगेगा कि आपको डर था कि आवाज़ उठेगी, तो उसको दबाने के लिए सबसे अच्छा मौका यही है कि जब सब बिजी हों उस टाइम पर निकाल दो, किसी को पता ही नहीं चले। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, यानी जो
पेपर लीक से रिगार्डिंग जो बोला जा रहा है, तो ये कह रहे हैं हमने जहाँ जहाँ पर चेक किया है और जो स्टूडेंट ऐसे पाए गए हैं उनको या तो कैंडिडेटचर से हटा दिया गया है, एग्ज़ाम सेंटर से निकाल दिया गया है, जो उनको ऑल इंडिया रैंकिंग में जोड़ा नहीं गया है, बस ये इस तरीके से बोल के ख़त्म कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा एजेंसीज़ ने क्या किया, कहाँ कहाँ पर हुआ, कितने स्टूडेंट्स को निकाला, ये सब कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। खैर जो भी हो, ये तो पहले ही अंदाज़ा था कि एनटीए कुछ भी हो जाए अपनी गलती नहीं मानेंगे, बस ये अपना प्रेस रिलीज़ निकाल देंगे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन इनको पूरी देनी चाहिए वो नहीं देंगे, जो इनका मन करेगा दे के बात ख़त्म करेंगे। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं, कोई अगर सेपरेट नोटिफिकेशन आता है तो बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।